बैठा हुआ है, मुझे तंग कर रहा है, मैं थोड़ा सा रो भी रहा था, खाना भी इसने खा लिया है, सब उधम मचा दिया इसने। सो गाइस, आई एम जस्ट फिनिशिंग माई वर्क। मैंने यहाँ इसकी खिचड़ी बनाई है, यहाँ हलीम बनाया है साथ साथ, सी कैसा बनता है। आज बनने जा रहा है लज़ानिया। मेरे पास लज़ानिया शीट्स हैं 500 ग्राम्स की, ये मैंने लिया हुआ है। सॉस सारे मैंने रेडीमेड ही लिए हैं, ये वाइट सॉस मिल जाता है लज़ानिया का, पेस्ता सॉस डाला है, और कीमा है मेरे पास। मैं इसके अंदर वेजिटेबल्स भी डालूंगी, खाली कीमा मुझे अच्छा नहीं लगता। प्याज है, प्याज में नमक मिर्च डाल के कीमा भून लेंगे। चीज़ आपकी पसंद की है, मोज़रेला डाल लें, चेटर चीज़ डाल लें, और जिंजर गार्लिक पेस्ट है। पहले मैं प्याज थोड़ी सी लाइट ब्राउन करूँगी, नमक मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स जो होते हैं वो, ज़ीरा, ऑरेगानो डालूँगी और टमाटो पेस्ट डाल दूँगी। उसके बाद वाइट सॉस और ये सब लगा के लेयर कराऊँगी। मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ आपको ना। प्याज ऐड करूँगी ऑयल में, बहुत थोड़ा सा लेना है, वरना बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है लगाने में। थोड़ा सा जीरा डालूंगी, हमें लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी थोड़ा सा, पर इतना ही बचा हुआ था। अब मैं 1 चम्मच अदरक डालूंगी, थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी के लगे नहीं है, तो मैंने ऑयल बहुत कम लिया है ना। थोड़ा सा सौते करके इसमें कीमा ऐड कर, कीमा अपना पानी छोड़ेगा, मैं इस कीमे के पानी को ड्राई करना, वरना स्मेल सी रहेगी, तो सांस सी आएगी गोश्त की ना, उसको हमें खुश करना है जब तक कीमा भी अपना कलर चेंज कर लेगा। फिर हम इसमें सॉस डालेंगे, रेड सॉस, मैं तो पास्ता सॉस ही ऐड कर देती हूँ। कीमे का पानी खुश्क हो गया है, तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी, कुटी हुई लाल मिर्ची डाल दीजिए थोड़ा सा देसी टच देने के लिए। ऑलरेडी पास्ता सॉस के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, टमाटो पेस्ट है, पानी है, चीनी है, ऑयल है, लहसुन है, सब चीज़ें इसमें डली हुई हैं, तो देख के डालना चाहिए। मैं एक पूरी बॉटल डाल दूंगी, ये तकरीबन 420 ग्राम्स की है।
थोड़ा सा ओरिगानो डालूंगी क्योंकि इसकी खुशबू मुझे बहुत पसंद है। ऑलरेडी इसमें डला हुआ है लेकिन मैं थोड़ा सा और डालूंगी। बॉटल में काफ़ी सारा है बचा हुआ तो मैं पानी डाल के इसको इसमें डाल दूंगी, कीमे में डाल दूंगी, थोड़ी देर पकाऊंगी कीमे को हल्की आंच पे। थोड़ा सा पानी मैं और ऐड करूंगी कीमे को पकाना हल्की आंच पे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। थोड़ा सा पानी डाल के मैं इस पर पकाऊंगी कीमे को ताकि सारे मसाले कीमे में रच बस जाए, क्योंकि अभी पास्ता सॉस की भी ज़रा कच्ची कच्ची स्मेल आ रही है, उसको पकाना पड़ेगा। कम से कम 10 मिनट आप इसको पकाएं लो हीट पे। मैं तो इसी तरह से पकाती हूँ, मैं वेजिटेबल्स बस 5 मिनट ही पकाती हूँ उसके अंदर, ज़्यादा देर नहीं पकाती। मुझे क्रंची टाइप की वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं। वेजिटेबल्स आपकी अपनी मर्जी है, कोई भी चॉइस की आप ले सकते हैं। मैं तो यहाँ फ्रोज़न मेरे पास ये रखी हुई थी, शिमला मिर्च भी मुझे मिल गई थी, एक ये मशरूम भी मिल गया था तो मैंने वो भी निकाल लिया। ये बिल्कुल एंड में करूँगी। अब मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल के पकाऊँगी ताकि अच्छी तरीके से आपस में सारे मसाले मिल जाएं। काफ़ी से इसका पानी ड्राई हो गया है, इसका कच्चा पानी भी दूर हो गया है। या नमक मिर्च भी चेक कर सकते हैं कैसा है, परफेक्ट है। अब मैं इसमें तमाम वेजिटेबल्स ऐड कर दूंगी। शिमला मिर्च मुझे वेजिटेबल्स के साथ अच्छा लगता है और वेजिटेबल्स मुझे क्रंची अच्छी लगती हैं। मैं इसको ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, बस ज़रा सा करके स्टीम कर दे दूंगी 5 मिनट के लिए इसके साथ ही। अगर ये बच जाए कीमा, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो आप इसको ब्रेड के स्लाइसेस पे लगा के, चीज़ लगा के पिज्ज़ा टाइप का बना सकते हैं, या अगर पिज्ज़ा डो आपके पास है तो उस पर लगा के, चीज़ लगा के पिज्ज़ा बना लें कंप्लीट। ब्रेड पिज्ज़ा भी बना सकते हैं, नॉर्मल पिज्ज़ा डो अगर बाज़ार से मिल जाए तो उस पर लगा लें बचा हुआ, अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, क्योंकि ज़्यादा लज़ानिया में मत डालें, वो गीला गीला सा लज़ानिया अच्छा नहीं लगता। बस अब मैं इसको 5 मिनट पकाऊंगी और उसके बाद लेयर्स लगाऊंगी, लज़ानिया शीट्स में उबालूंगी। मटर का दाना नहीं उठ रहा है अभी, उठा लेगा। कीप ट्राइंग। वाओ। इब्राहिम साहब फूल स्प्रिंग आ गया है।
मस्त लग रहा है। राही मैं खुश हो रही हूँ। से हाय, से हाय राही, से हाय, से हाय। व्हाइट सॉस है, थोड़ा सा बेस में थोड़ा सा सॉस लगा दूंगी। रहीम की आवाज आप सुन रहे होंगे। सॉस भी मैं बेस पे लगा दूंगी, रेड और व्हाइट सॉस थोड़ी सी। अब इसके बाद लजानिया शीट्स। बस छोटी बेकिंग ट्रे है तो मैंने इस पे ही बनाया है। इसके बाद दोबारा मैं लगाऊंगी। बहुत ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ, मुझे ऐसा रनी सा नहीं चाहिए। अपने हिसाब से लगा लें, अगर आपको बहुत ज़्यादा कीमा अच्छा लगता है तो आप बहुत ज़्यादा डाल लें। मैं इसी तरह से डाल रही हूँ। इसके बाद दोबारा वाइट सॉस डालूंगी, मैं वाइट सॉस ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। बस थोड़ी सी चीज थोड़ी सी डालूंगी, ज्यादा टॉप पे डालूंगी। बस फ्रोजन रखी हुई थी। ये प्रोसेस फिर रिपीट करेंगे। इब्राहिम की आवाजें हैं, ये वॉकर चला रहे हैं और इनकी वॉकर अटक गई है। मेरा तो बच गया थोड़ा सा ये कीमा और रेड सॉस, तो मैं इसको पास्ता पे डाल दूंगी। पास्ता की डो बना के ये ब्रेड पास्ता बना लें, ब्रेड के ऊपर डाल दें।
फाइनल शेप है। ऊपर हमने काफ़ी सारी चीज़ डाल दी है। इसको ढक के तकरीबन 20 मिनट तक पकाऊंगी 180 पर, और फिर ऊपर गोल्डन कलर डालने के लिए निकाल के 10 मिनट पकाऊंगी। ये सिल्वर पेपर हटा, मेल्ट हो गई है। अब मैं इस पर गोल्डन कलर देने के लिए इसको रखूँगी। चीज़ सिल्वर पेपर मैंने हटा दिया। अभी थोड़ा गर्म है, फिर मैं आपको काट के दिखाऊंगी।